नमस्कार, आप देख रहे हैं जी इंडिया 81 लाइव। खबर लखीमपुर खीरी से, बड़ी लाइन के डीजल पावर मैलानी स्टेशन पहुंचने पर उमड़ी भीड़। मैलानी खीरी आमान परिवर्तन के चलते कार्य पूर्ण होने पर ट्रेन के संचालन से पहले लखीमपुर से चलकर डीजल पावर के मैलानी पहुंचने पर काफ़ी मात्रा में लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। डीजल पावर 110 किलोमीटर की रफ्तार से लखीमपुर से 13 बजे चलकर मैलानी स्टेशन पर 13:40 पहुंची, जिसमें RVNL DGM वा चालक कमलेश व सहायक शिव कुमार ने बताया कि ट्रायल सफल रहा, जिससे जनता में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। सर, इस समय आप मैलानी पहुंचे हैं, जो लेकर के हम यहाँ बड़ा उत्साहवर्धन देख रहे हैं, इस संबंध में बताएंगे कि आप कौन सी पावर लेके यहाँ पहुंचे हैं और आपका हम नाम लेना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ मैलानी की जनता काफी उत्साहित है। क्या बता रहे हैं हमारे चैनल को आप? इस समय पावर कोटा के लिए गया है 14:36। तो सर, ये कितनी स्पीड से यहाँ तक पहुँचा है मैलानी तक? 110 किलोमीटर प्रति घंटा। जी, तो कितना समय लखीमपुर से मैलानी तक लगा है? 40 मिनट में। सर, और आगे आप हमें बताएंगे कि मैलानी की जनता को कब तक यहाँ पर ट्रेन में का संचालन प्रारंभ हो जाएगा? चालीस मिनट में यहाँ पहुँचे हैं और मैलानी की जनता देखने के लिए काफ़ी आपको उत्साहित है। थैंक यू। जो मैलानी में ये पावर पहुंची है और इसका इतना बड़ा उत्साह दिखाई पड़ रहा है, इस संबंध में आप हमारे चैनल को क्या बताएंगे? देखिए, हमारे जिले की जनता की बेहद मानती थी। हमारे सांसद अजय मिश्र त्रिवेदी द्वारा बहुत ही बड़ा प्रयास, भगीरथी प्रयास किया गया इसमें, और हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भाई नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये विकास के लिए सरकार में, और आज लखीमपुर वालों का सपना पूरा हो रहा है। लखीमपुर जाने में 2-2.5 घंटे लग जाते थे, आज ये स्पीड ट्रायल हुआ है। 110 की स्पीड से 35 मिनट का इंजन जो है मैलानी पहुँचा है लखीमपुर। अभी जो बात हुई है मुझे पहुँचे बता रहे हैं 25-26 मिनट का ट्रायल हो रहा है, और उसके बाद बहुत जल्दी हम मैलानी के क्षेत्रवासियों को ये सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। इसके लिए यहाँ के सांसद रहेंगे सुखी, और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, वो मैलानी की जनता की।